सुप्रीम कोर्ट ने जज अरशद मलिक वीडियो केस में नवाज शरीफ की नजरसानी दरख्वास्त निपटा दी। फैसले में लिखा है कि हमारी मुदाखलत की गुंजाइश नहीं, मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर छोड़ा है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जज वीडियो स्कैंडल के खिलाफ नवाज शरीफ की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। नवाज शरीफ की जानिब से ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदालत ने मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर छोड़ा है। फैसले में लिखा है हमारी मुदाखलत की गुंजाइश नहीं, दखल अंदाजी नहीं कर रहे क्योंकि केस चल रहा है और तफ्तीश भी जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करने में आजाद है, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। हमारे पास मामला आया जो हमने सुन लिया, कानून जाने और इसका काम जाने, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। दरख्वास्त गुजार नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि देखना यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से अदलिया को नुकसान पहुंचाया है नहीं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कैसे तस्लीम कर लें कि अदलिया को नुकसान पहुंचा। ख्वाजा साहब ने नजरसानी में जो बातें की वो अदालत पहले ही मान चुकी है। अदालत से जो आप मांग रहे हैं हम पहले ही दे चुके हैं। अगर चाहते हैं आपका हक मुतासर ना हो तो पहली बात दोबारा लिख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इश्तियाक मिर्जा, सुहेल अख्तर और तारिक असद की दरख्वास्तें खारिज करते हुए नवाज शरीफ की नजरसानी दरख्वास्त निपटा दी।